स्वागत है आपके चैनल पी क्लासेस में। एक अपडेट है और अपडेट है सीबीआईसी वाले स्टूडेंट्स को जो सीजीएसई इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो आ चुका है और आपको कुछ जॉन भरने के लिए आपको ऑप्शन मिला है। तो यहाँ 9 तारीख मतलब आज ही आपका दिल्ली से रिलीज किया गया है, आपके सामने है। और इसको आपको भरना कैसे ये पूरा डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले एनेक्चर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये मिलेगा कहाँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखो क्या लिखा है, यहाँ से यू आर रिक्वेस्ट टू एक्सेस द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ प्रेफरेंस एंड लिंक ऑफ द, ये लिखा है लिंक है, इस पर आपको देखना है द ऑनलाइन ऑफ द मॉड्यूल ऑफ एक्सेस ऑफ द रोल नंबर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर विद एसएससी के साथ जो आपने रजिस्टर किया उससे आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल ऑनलाइन मॉड्यूल भी एनेक्चर बी में आपको मिल जाएगा ये, और इसके एनेक्चर बी मिल जाएगा। इसके बाद आप रिक्वेस्ट है जो आपको भेजना है वो आपको 17/11/2022 तक आपको भेज देना है। फॉलोइंग विद द प्रेज्यूम ऑफ द प्रेफरेंस ऑल कैंडिडेट इन्फॉर्म ऑप्शन प्रेफरेंस शैल बी एक्सरसाइज ओनली वंस, मतलब एक बार ही आपको मौका दिया जाए, दूसरी बार आपको मौका इसमें नहीं दिया जाएगा। तो आप एक बार में ही भर के भेजिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी, जैसे मान लो आपको मोबाइल नंबर चेंज कराना है, आपको ईमेल आईडी चेंज कराना है जो एसएससी में रजिस्टर्ड थी, तो आपको क्या करना है एक मेल करना है आपको, और मेल क्या करना है प्रूफ के साथ मतलब अटेस्टेड करना है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजना है, आधार कार्ड या पैन कार्ड की, वोटर आईडी कुछ भी हो सकती है, और आपको रिक्वेस्ट करना है आपको एनेक्जर सी में उसको दे रखा है। स्पीड पोस्ट वक्त तक भेज सकते हैं आप या कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं, बाई हैंड भी एसएससी के ऑफिस में जाकर दे सकते हैं। और भेजना कहाँ है आपको, अगर आप ओटीपी प्रोसेस देखेंगे तो आपको ईमेल द्वारा मोहम्मद आसिफ को भेजना है, वहाँ से ही आपके ये सब चेंजेस आपके होंगे, ठीक है। आगे लिखा है ऑप्शन ऑफ द एक्सरसाइज ऑप्शन, एक बार ही आपको फाइनल ऑप्शन में कोई भी चेंज उस पर नहीं किया जाएगा, एक ही बार आपको ऑप्शन बनने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें, इसके अलावा अगर बात करूँ करंटली ऑप्शन प्रेफरेंस आर बीइंग सीबीआईसी बेस्ड डाटा के हिसाब से जो एसएससी होगा और पूरा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी आ गई कि बेंगलोर में आपकी जनरल की अगर बात करी जाए यहाँ पर जनरल की कितनी वैकेंसी है आपकी, तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल की वैकेंसी आपको बेंगलोर में बात करें तो 169 आपका जनरल का है, 26 आपका एससी, तो ये टोटल वैकेंसी आपका यहाँ का टोटल वैकेंसी आपकी 171 है। भोपाल की बात करूँ तो यहाँ 119 से टोटल आप किसका कितने में वो देख सकते हैं आप, बेंगलोर का आप देख सकते हैं एक भी वैकेंसी कहीं नहीं है, भुवनेश्वर का सॉरी, चंडीगढ़ में आप देखेंगे तो टोटल 44 वैकेंसी है। अगर चेन्नई की बात करूँ तो 402 वैकेंसी, ऐसी आप कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं कहाँ कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पर अगर दिल्ली पर देखोगे तो दिल्ली पे आपकी 51 वैकेंसी है और चेन्नई में 8 हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप तो बेंगलुरु भोपाल ये ऐसे हिसाब से आप यहाँ पर देखिए बड़ोदरा मुंबई रांची कोलकाता ये आप देख सकते हैं। अब आपको भेजना किस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से एड्रेस करेंगे, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद आप इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद ऐसा आपको व्यू पॉइंट आएगा, ये ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया यहाँ पे, यहाँ से आप ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ऐसे आपको यहाँ पे पूरा आएगा कि किस में आप सिलेक्ट हुए हैं, उसी हिसाब से आपको पूरा यहाँ डेट ऑफ बर्थ ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर पासिंग ईयर ये सब डिटेल होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको फॉर्म फिल करने का, ये देखिए ऑप्शन है इस बेस पे, यहाँ देखिए ये आपको देखना होगा, ये नीचे होगा, ये देखिए ये आपके ऑप्शन किसको आपको कहाँ रखना है, ये आपके सब ऑप्शन होंगे, प्रिवेंटिव ऑफिसर का है या सीएसटी का भी होगा, ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है, ऐसे आपको फिल करना है इसको, और फिल करते सबमिट फाइनल यहाँ से सबमिट कर देना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपको रोल नंबर लिख के ईमेल और लिखा रिक्वेस्ट टू चेंज ईमेल आईडी के लिए ये एनेक्चर है, इस एनेक्चर को आपको भेजना है, ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करना है जो भी करना है तो यहाँ से आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मिलेगा कहाँ तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ ये जाके देखना है, कहाँ से ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, सीबीआईसी की वेबसाइट पर हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं सीबीआईसी क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं देखो बेसिकली मैं वहीं तक सीबीआईसी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ देखिए ऐसे और यहाँ पे देखिए आज 9 तारीख है और यहाँ पे आप देखिए ये आपके एनेक्जर बना है, इंस्पेक्टर के लिए है, पीओ के लिए है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए सॉरी इंस्पेक्टर के लिए एग्जामिनर के लिए और टीएक्स असिस्टेंट के मतलब सबके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबका आप बारी बारी से खुलकर देख सकते हैं। यहाँ से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है और एक आपको मेल आया होगा उस मेल से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका इस हिसाब से आपको भरना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एनेक्जर आप सबके लिए सेम है, आप भर सकते हैं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।